के बाद वेलकम बैक हमारे सेगमेंट टू में शेफ के साथ। मैं हूँ शोभना और हमारे साथ है शेफ पवन और हम मिलकर अब कुछ खिचड़ी पकाने वाले हैं ऐसा लग रहा है मुझे। चावल जरूर पकाएंगे क्योंकि मुझे अल आइला बासमती राइस नजर आ गया था तो मैंने वही सोचा कि जब अल आइला बासमती राइस होता है तो कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पकती है। तो शेफ क्या पका रहे हैं हम? ठीक है, आज हम बनाएंगे हरे प्याज और मटर वाले चावल। हरे प्याज और मटर वाले चावल बनाने के लिए आपको चाहिए चावल 200 ग्राम, तेल 1 टेबलस्पून, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, चॉप किया हुआ जिंजर 1 टीस्पून, क्लव्स 4, बे लीफ 2, कार्डमम 2, सिनेमन 1 छोटी डंडी, स्प्रिंग अनियंस चॉप किए हुए आधा कप, पीज यानी मटर आधा कप, नमक स्वादानुसार। इसके साथ रायता के लिए आपको चाहिए दही आधा कप, गार्लिक छोटे छोटे चॉप किए हुए और रोस्ट किए हुए 1 टीस्पून, नमक स्वादानुसार। खिचड़ी नहीं, खुले हुए पुलाव जैसा राइस बनेगा। खिला खिला सा। खिला खिला सा, ठीक है। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पैन में ऑयल हीट अप कर दिया है, उसके बाद हम होल गरम मसाला डालेंगे, सिनेमन दालचीनी कार्डमम इलायची लौंग और बे लीफ, ठीक है। तो इसमें हम लोग गरम करेंगे सिनेमन बे लीफ और होल गरम मसाला जो हमारे पास थे, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा होल या जीरा पाउडर बाद में यूज़ कर सकते हैं, जीरा होल गिव्स इट अ बेटर फ्लेवर। स्प्लेटर हो गया, उसको स्प्लेटर होने दीजिए। जब ये ऐसे बर्स्ट होता है दैट मीन्स जीरा कुक हो चुका है। उसके बाद डालेंगे अदरक, चॉप्ड अदरक। चॉप्ड अदरक, ओके। राइस में चॉप्ड अदरक फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग। हां जी, बहुत 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 बढ़िया फ्लेवर आएगा एंड में। अभी तो हरे प्याज बाकी है, स्प्रिंग अनियंस जिन्हें कहते हैं, स्प्रिंग अनियंस। नॉर्मली हम लोग राइस में नॉर्मल अनियंस, व्हाइट वाले अनियंस, पिंक अनियंस यूज करते हैं। स्प्रिंग अनियन थोड़ा एक अलग पंजन फ्लेवर दे देता है पूरे डिश को, तो इधर वो यूज़ कर रहे हैं। ये आ गया फ्लेवर, बिल्कुल फ्लेवर आ गया। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, थोड़ा सा चिली पाउडर, इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे, भुनेंगे इसके साथ थोड़ा चावल, रॉ राइस इसमें भुनेंगे। दिस इज आवर लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस फ्रॉम अल आइला। जब पुलाव और इस तरह के डिशेस बनाने हों तो राइस की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और फाइनल रिजल्ट जो है वो उस पर बहुत डिपेंड करता है। राइस को इस तरह से भुनने से राइस थोड़े ज़्यादा खुले रह जाते हैं, बाद में थोड़े हार्ड हो जाते हैं ताकि कुक ठीक से हो जाए और ब्रेक नहीं हो जब इसको आप मिक्स करें। इसलिए पहले थोड़ा सा भुनकर फिर पानी में। सही, ये रेडी हो रहा है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। वही देख रहे हैं हमारे मटर बेचारे काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। मटर को थोड़ा और टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा। ओके भाई, हमारे पास जो पानी गर्म हो रहा है हाँ? थोड़ा सा एज यूजुअल वार्म वाटर यूज करेंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, डबल क्वांटिटी राइस का 1:2। अब जाएंगे इसमें मटर। ये मटर ऑलरेडी बॉइल्ड है, हाँ, बट ये ओवर कुक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए यू कैन कुक इट विद द राइस। अगर फ्रेश पील्ड मटर हो तो उसको भी डायरेक्टली इसमें डाला जा सकता है या बेटर टू बॉईल इट एंड देन यूज़? बॉईल करके ज़्यादा प्रेफरेबल है, बिकॉज़ इन केस राइस जल्दी कुक हो गया और मटर थोड़े से कच्चे रह गए तो दांत में लगेंगे। सो ऑलवेज मटर को बॉईल करके यूज़ करें। अभी इसको कम से कम 7 से 10 मिनट लगेंगे बॉईल होकर कुक होने में। इसको कवर करके कुक करेंगे लो फ्लेम में। तो अब हमारे इस अल आइला राइस और इस मटर और इस हरी प्याज को हमें अकेला छोड़ना है फॉर 10 मिनट्स ऑन लो फ्लेम। जब तक वो होता है तब तक हम लोग एक बना लेंगे गार्लिक रायता, लहसुनी रायता, जो इसके साथ खा सकते हैं। क्या बात है। तो शुरुआत करते हैं। हाँ? यहाँ पर हमारे पास है योगर्ट, इसको ज़रा विस्क कर लें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे रोस्टेड गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक। इसको मतलब घी के साथ या बटर के साथ? तेल में, घी में या ओवन में ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। ओके, उसको ऐड कर दो इसमें, थोड़ा सा चिली पाउडर फ्लेवर के लिए एंड सॉल्ट आधा चम्मच। गार्लिक रायता, आई मीन दिस इज कंप्लीटली न्यू। देखिए इसके टेक्सचर, दानेदार। आई डोंट थिंक ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर मैंने इस तरह के रायता के ऑप्शंस देखे होंगे। सो ये आपका रायता, गार्लिक रायता रेडी है। wow. जो जाएगा आपके राइस के साथ। इसको साइड में रख देते हैं, फ्रिज में रख के इसको कूल कर देंगे तो ज़्यादा स्वाद आएगा इसमें। दैट्स इट, गार्लिक को चॉप करके हमने उसको रोस्ट कर लिया और फिर उसके साथ कर्ड्स के साथ मिक्स किया, द क्रंची फ्लेवर रिमेंस। क्रंची फ्लेवर टू इट, यस। ओके, फैंटास्टिक शेफ, अब हमें राइस का इंतजार करना पड़ेगा। राइस को अभी भी थोड़ा और टाइम लगेगा,
तो हम लोग आते हैं 5-7 मिनट के बाद, देखते हैं राइस कैसे बना। ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो हमें और आपको करना होगा इंतजार फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद हमारी मटर और हरी प्रयास के चावल का लुक देखने के लिए आई एम वेरी वेरी कीन। लगता है रेडी हो गया, बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसको हम लोग डिश आउट कर लेंगे अभी। एक एक दाना इतना खिला हुआ है, बिल्कुल फ्रिज से रायता निकाल लेते हैं, रख देते हैं, उसके बाद चावल सर्व कर देते हैं। सो आर गार्लिक रायता व्हिच इज लाइक अ सरप्राइज पैकेज ऑफ दिस सेगमेंट इज रेडी हियर, तो इसको हम यहां सर्व करेंगे गार्लिक रायता एंड इसको ऑफ करके विल गेट द राइस आउट। मटर और हरे प्याज के चावल, खुले खुले राइस, बिल्कुल। और मटर का एक एक दाना भी साथ साथ इतना प्यार से मुस्कुरा रहा है। आई थिंक हरी प्याज से एक अलग ही खुशबू आ जाती है। बिल्कुल, इसको हम लोग गार्निश करेंगे हरे प्याज से टू फिनिश इट ऑफ। ये आपका रेडी है हरे प्याज और मटर वाले चावल अलोंग विद गार्लिक रायता। हरे प्याज और मटर वाले चावल बनाने का तरीका है, पहले एक पैन में तेल गरम कर लें और फिर उसमें डालें बेलीफ, कार्डमम, सिनेमन और क्लव्स और क्यूमिन सीड्स। जब आपके क्यूमिन सीड्स स्प्लटर करने लगे तो फिर उसमें डालें चॉप्ड जिंजर, ग्रीन अनियंस, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर और उसे अच्छी तरह सौटे कर लें। अब इसमें धोए हुए चावल डालकर उसे करीब 2 मिनट के लिए पकाएं और फिर उसमें डालें नमक और ल्यूक वार्म पानी। पानी की क्वांटिटी चावल से डबल होनी चाहिए। अब इसमें हरे मटर डालकर इसे ढक्कन से ढक दें और धीमी आंच पर करीब 10 मिनट के लिए पकने दें। जब आपके चावल तैयार हो जाएं, तो उन्हें सर्व करें गार्लिक रायता के साथ। गार्लिक रायता बनाने के लिए दही लेकर उसमें चॉप किए हुए और रोस्ट किए हुए गार्लिक, चिली पाउडर और नमक को अच्छी तरह मिला लें। लीजिए तैयार हुए आपके हरे प्याज और मटर वाले चावल सर्व्ड विद गार्लिक रायता। लुरपैक और पुक की तरफ से 6 महीने का गिफ्ट हैम्पर जीतने का टाइम आ चुका, यानी कि मैं आपसे पूछने वाली हूँ आज का सवाल। तो आपने अभी अभी क्रीमी चीजी वेजिटेबल जो हमारे शेफ ने बनाया उसको बड़े मजे से देखा, लेकिन जरा ये तो बताइए कि उसमें शेफ ने कौन सा लुरपैक बटर यूज किया था। ऑप्शन ए सॉल्टेड बटर, ऑप्शन बी अनसॉल्टेड बटर या ऑप्शन सी गार्लिक बटर। तो जल्दी से सही जवाब लिखकर भेजिए जायका स्पेस ऑप्शन ए बी या सी और SMS कीजिए टू 7575। सो द चॉइस इज योर्स, यही कॉम्बिनेशन अगर आप करना चाहें जरूर ट्राई करें। अगर किसी और रायते के साथ भी ट्राई करना चाहें गो अहेड। ये चावल तो मेरे ख्याल से दाल रायता जो भी कॉम्बिनेशन हो इट विल बी अमेजिंग। वेल थैंक यू शेफ, एज यूजुअल आपने यू हैव नॉट लेट अस डाउन। समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, समथिंग अमेजिंग, दैट्स व्हाट वी प्रॉमिस यू। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का और हम आएंगे अपने तीसरे सेगमेंट में। लेकिन आज के इस एपिसोड में, तीसरे सेगमेंट में कुछ मीठा नहीं है। आज थोड़ा चेंजेस है। यस, देयर इज अ चेंज। तो आप कीजिए इंतजार उस सरप्राइज का कि आज तीसरे सेगमेंट में क्या होने वाला है। कीप वॉचिंग लुरपैक और पुक का जायका।